आज का गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। गाना बहुत ही सिंपल गाना है, इस गाने को आप किसी भी महोत्सर्गन पे बजा सकते हो, इसमें स्लाइडर का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई क्रोमेटिक नोट नहीं है। आप सिर्फ स्केल का महोत्सर्गन में भी बजा सकते हो, सी या ए स्केल का महोत्सर्गन में तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया बजेगा इसको ट्रीमोलो से, ट्रीमोलो पर अगर बजाइएगा तो ज़्यादा साउंड अच्छा लगेगा सुनने में। तो चलिए नोटेशन देखते थे। गाना शुरू होने से पहले हमिंग है, हमिंग क्या है, तो नोटेशन क्या क्या रहेगा, नोटेशन शुरू होगा हायर ऑक्टेव का रे से, रे गा रे नी धा सा धा पा धा। ये और गा को जो है लंबा किया, रे गा रे नी धा सा धा पा धा। इसके बाद गाना शुरू हो जाता है। गाना के पहला लाइन है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो नोटेशन शुरू होगा मिडिल ऑक्टेव का गा से। तो क्या रहेगा नोटेशन, गा गा धा 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 पा नी 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 पा पा धा धा धा। कैसे बजेगा देखिए, नेक्स्ट लाइन आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, गा गा धा 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 पा नी 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 पा धा मा मा मा। नेक्स्ट लाइन बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, गा गा धा 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 पा नी 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 धा सा 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 सा। तो लास्ट में जो सा है ये हायर ऑक्टेव का सा है, चारों सा हायर ऑक्टेव का है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन चलिया तू चलिया गानी नी रे रे नी धा, तो नोटेशन शुरू होगा हायर ऑक्टेव का गा से, नी रहेगा मिडिल ऑक्टेव का, धावी रहेगा मिडिल ऑक्टेव का, रे रहेगा हायर ऑक्टेव का। देखिए कैसे, मतलब इसके बाद आता है अंतरा। अंतरा में क्या है, प्यारे की गलिया, नोटेशन क्या रहेगा मिडिल ऑक्टेव का गा से शुरू होगा, गा मा धा मा गा गा गा। नेक्स्ट लाइन बाग की कलिया गा मा धा मा गा गा गा, सेम नोटेशन है। तो एक बार हम बजा के दिखा देते इसको कैसे बजाए। नेक्स्ट लाइन सब रंग रलिया नी नी धा धा गा गा नी, निकल लंबा खींचना है कैसे देखिए, मिडिल ऑक्टेव नीचे शुरू होगा, पूछ रहा है सा नी धा धा, सा को थोड़ा लंबा खींचेगा, नी को भी लंबा खींचेगा कैसे, और सा रहेगा हायर ऑक्टेव का सा। इस लाइन को दो बार बजाइएगा, रिपीट है तो इस लाइन, सब रंग रलिया पूछ रहा है गीती पन घट पे किसी दिन गाएगी तू, तो नोटेशन क्या रहेगा, धानी नी रे 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 नी धा पा सा नी धा धा। इसके बाद जो अंतरा है सेम नोटेशन है, उसको रिपीट कर दीजिएगा अंतरे का, तो आपका गाना कंप्लीट हो जाएगा।